हे गाइस, सीक्रेट इन्वेजन के स्टोरी ब्रेकडाउन और उसके अलावा रिव्यू और रिएक्शन के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मुझे अपने थॉट्स यार कमेंट सेक्शन में बताओ कि यहाँ पे आपको सीक्रेट इन्वेजन का ये ट्रेलर कैसा लगा। ऑफकोर्स जो सीरीज है वो 21 जून को प्रीमियर होने वाली है। तो देखो यार, मुझे कुछ ना यहाँ पे मार्वल की जो डार्क वाइब है, डीसी वाली टोन जो है मुझे इसमें हिट होती हुई नजर आई, जहाँ पे बहुत सारा कोल्ड वॉर वाला टेंशन है। और यहाँ पे निक फ्यूरी सिर्फ और सिर्फ अर्थ पे इसलिए वापस आए हैं क्योंकि यहाँ पे उनको रिसेंटली कहीं से पता चला कि यार स्क्रल का इन्वेजन गवर्नमेंट की बहुत सारी डिफरेंट एजेंसीज में हुआ है, जैसा कि हमने इस ट्रेलर में भी देखा। तो कहीं ना कहीं एक जो माहौल होता है, जो फील होता है, वो इस ट्रेलर ने सेट करने की कोशिश की। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगा कि यार ट्रेलर थोड़ा सा और बेटर हो सकता था, क्योंकि आपको पता होगा कि जो यहां पे सीक्रेट इन्वेजन का पहला टीजर आया था उसमें यहां पे जो है सेम चीज हमें देखने को मिली थी। हालांकि हमें और भी सारे नए सीन्स देखने को मिले, रोडी के नए सीन देखने को मिले, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत और बेटर यहां पे हो सकता था। लेकिन शायद से मार्वल उसने कहीं ना कहीं और ज्यादा चीजें जो है आगे के लिए या फिर सीरीज के लिए बचा के रखने की कोशिश की है, जहां पे वो काफी सारी चीजें अभी यहां पे रिवील नहीं करना चाहते हैं। अच्छा, जो मुझे इसमें सबसे अच्छी चीज लगी वो था यहां पे निक फ्यूरी का एंडिंग डायलॉग, जो कि मुझे लगता है कि टोन सेटअप करता है कि शायद से निक फ्यूरी हमें काफी टाइम के लिए यहां पे एमसीयू में ना दिखाई दे। हालांकि मल्टीवर्स सागा में मुझे लगता है कि उनका रोल जो है कैंग के साथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे जैसे सीक्रेट इन्वेजन जो है सीरीज आगे बढ़ती जाएगी, ये किसी बड़ी चीज को यहां पे सेटअप करने वाली है जिसका किसी को भी अंदाजा नहीं होने वाला है। और किस चीज की मैं बात कर रहा हूं वो हमें यार इस सीरीज को देखकर ही पता चलेगा, क्योंकि यार एग्जैक्टली अगर आप देखोगे निक फ्यूरी ने कहा कि वन लास्ट टाइम, तो इसका क्या मतलब है कि क्या निक फ्यूरी इस सीरीज में अपने आप को सेक्रीफाइस करने वाले हैं। आपको याद होगा कि जब यहां पे मैंने पहला ट्रेलर रिव्यू किया था तो मैंने कहा था कि यार निक फ्यूरी के बर्ताव में, उनकी एक्टिंग में, उनके एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज में कुछ अजीब सा लग रहा है, ऑकवर्ड सा लग रहा है। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये वाला जो निक फ्यूरी हम देख रहे हैं जो कि यहां पे अर्थ पे आए हैं, कहीं ना कहीं ये भी स्क्रल्स का एक बहुत ही बड़ा गेम हो सकता है। यानी कि निक फ्यूरी के बेस में एक और स्क्रल, क्योंकि पहली बार तो उनको हम एज अ स्क्रल के तौर पे इंपोस्टर करते हुए देखेंगे नहीं, क्योंकि इससे पहले टेलोस ने भी यहाँ पे स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में उनको यहाँ पे शेप शिफ्ट करके इमिटेट किया था। और गेसिंग दैट कि यहाँ पे जितना भी स्क्रल इन्वेजन यहाँ पे गवर्नमेंट एजेंसीज में हुआ है, चाहे हम अगर यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स के हायर लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में बात कर ले, वहाँ पे हुआ है, तो वहाँ पे हमें एवरेट रॉस जो कि यहाँ पे स्पाई एजेंसी के CIA के बहुत ज़्यादा अहम पार्ट रहे थे, और साथ ही में यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कोलोनल जेम्स रोड्स जो कि पॉसिबली यहाँ पे अमेरिका के प्रेजिडेंट के राइट हैंड मैन बताए जा रहे हैं, और साथ ही में उनका यहाँ पे कैप्टन अमेरिका द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। तो ये चीजें मुझे लगता है कि काफी सारे इवेंट्स जो है सेटअप किए जा सकते हैं कैप्टन अमेरिका द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की। थंडरबोल्ट्स के लिए भी इसमें बहुत सारे हमें टीजर्स देखने को मिल सकते हैं, जहां पे हमें स्क्रल्स का भी इन्वॉल्वमेंट इन मूवीज में देखने को मिल सकता है। हालांकि क्लियरली अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। रोडी कौन है इस सीरीज में ऑलरेडी हमें यह भी बताता है कि यहां पर सीक्रेट इन्वेजन के थ्रू ही यहां पर सारी चीजें जो है चलती हुई या फिर स्टार्ट होते हुए हमें आर्मर वॉर सीरीज के लिए भी नजर आएगी। यानी कि पॉसिबल कैरेक्टर यहां पर शेरन कार्टर का भी यहां पर हमें अपीयरेंस देखने को मिल सकता है। प्लस यार एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस ट्रेलर में हमने देखी और जो वैनिटी फेयर के मैगजीन में भी यहां पे रिवील करा गया था, गिया का नया लुक, यानी कि एमिलिया क्लार्क एज द स्क्रल गिया एंड द डॉटर ऑफ द टेलोस, जो कि यहां पे किस साइड पे रिलाई करती है, क्योंकि ट्रेलर में वो तो हमें यहां पे निक फ्यूरी के साथ रिलाई करते हुए नजर आई है, लेकिन जो प्लॉट सिनॉप्सिस यहां पे वैनिटी फेयर ने रिलीज करा था उसके अकॉर्डिंग यहां पे जो है गिया कहीं ना कहीं नाराज है निक फ्यूरी से, और यहां पे जितने भी प्रॉमिसेस यहां पे स्क्रल के लिए उन्होंने या फिर स्क्रल की स्पीशीज के उन्होंने यहां पे किए थे उसमें ज्यादा डेवलपमेंट न होने की वजह से कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा नाराज है, और हो सकता है कि वो यहां पे सुपर स्क्रल्स की यानी कि द अदर टीम ऑफ द स्क्रल्स यानी कि एक्सट्रीमिस्ट स्क्रल्स की टीम को ज्वाइन करते हुए भी नजर आ सकती है, जहां पे वो निक फ्यूरी के साथ जो है रहने का नाटक कर सकती है, और उसके अलावा उनको यहां पे धोखा भी मिल सकता है उन पे ट्रस्ट करने का। क्योंकि यार इस टीजर में शायद एक चीज ये भी देखने को मिली थी हमें, जो कि पहला एक सुपर बोल जैसा कुछ ट्रेलर आया था ESPN पे, जहां पे बोला था कि हु डू यू ट्रस्ट, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो ट्रस्ट वाली चीज है ना वो यहां पे निक फ्यूरी के साथ फिर से एक बार जो है उल्टा गेम पड़ने वाला, जिस तरीके से गूज द कैट ने उन्हें यहां पे ब्रिट्रे करके उनकी आंख को खराब किया था, वैसे ही कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि टेलोस और उनके यहां पे जो अच्छे वाले स्क्रल्स है कहीं ना कहीं वो भी शायद से ब्रिट्रे कर सकते हैं, या फिर किसे पता है कि एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट हमें यहां पे इस सीरीज में देखने को मिले। और नोट करने वाली बात है जो कि पिछले ट्रेलर में भी हमें नजर आई थी कि यहां पे कहीं ना कहीं स्क्रल एक्सपेरिमेंट
ऑगमेंटेशन भी किया जा रहा है कहीं ना कहीं कुछ लोगों के ऊपर, जहाँ पे शेप शिफ्टिंग एबिलिटीज यहाँ पे आर्टिफिशियली जो है ह्यूमंस में इनकलकुलेट करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा मॉर्ग वाला सीन जो कि काफ़ी ज़्यादा एडवांस भी लग रहा है वो हमें देखने को मिलता है। आई डू थिंक कि यहाँ पे इस सीरीज को काफ़ी सारे लोग अंडर रेट भी करेंगे या फिर जो है ये काफ़ी सारे फैंस के रेडार के अंडर से चली जाएगी, क्योंकि मार्वल ने यहाँ पे इसे डिले करने का पीछे एक तो ये मकसद था कि लोगों को थोड़ा सा टाइम दिया जाए इस सीरीज के बीच में या फिर मूवीज़ के बीच में अपने आप को यहाँ पे रिजुविनेट करने के लिए। और ये सीरीज जो है कोल्ड वॉर टाइप की सिचुएशन है जहाँ पे स्लो बर्न वाला ड्रामा आपको हर एक एपिसोड में देखने को मिलेगा और जिसका नशा मुझे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता ही फैंस को देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं गाइज द निक फ्यूरी का एक लास्ट राइड भी हो सकता है जो कि उन्होंने इस ट्रेलर में खुद से भी यहाँ पे टीज किया, या फिर कोई और भी बड़ी चीज यहाँ पे सेटअप करी जा सकती है सीक्रेट इन्वेजन की थ्रू। आर्मर वॉर से लेके कैप्टन अमेरिका द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की भी स्टोरी लाइन यहाँ पे जो है बिगिन हो सकती है। आपके इस बारे में क्या थॉट्स है, क्या आपको ये ट्रेलर पसंद आया फिर नहीं आया? मेरे हिसाब से थोड़ी बहुत जो है और इंप्रूवमेंट हो सकती थी ट्रेलर में, लेकिन ऑल इन ऑल ए गुड स्टार्ट फॉर द मार्वल फेज 5 थ्रू द सीक्रेट इन्वेजन सीरीज। अगर आपको अब ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूं बहुत ही जल्द आपसे एक नए वीडियो में। टेक केयर, एज़ ऑलवेज़ स्टे मार्वलस।